दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक टू जेम एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस। दोस्तों कैसे हो आप लोग? मुझे लगता है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज मैं एक छोटा सा, बहुत ही छोटा वीडियो लेक्चर बना रहा हूं, और इसमें मैं जो पहले मैं एक 10 क्वेश्चंस का एक एपिसोड दिया था मैं, और मैं ये कहा था कि आप लोग सोल्व करके और मुझे आंसर बताएंगे। तो इसमें कुछ स्टूडेंट हमारे आंसर भी बताए हैं। मिस वर्षा आंसर बताई है, फिर प्रियंका आंसर बताई है, सोनम आंसर बताई है, तो कुछ स्टूडेंट हमारे आंसर मिस्टर गौतम आंसर बताए हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो आंसर हमारे बताए भी हैं, और कुछ स्टूडेंट वेट भी कर रहे थे कि सर रिप्लाई करके मुझे बता दीजिए कि कितना क्वेश्चन सही हो पाया है। तो चलिए मैं बता दूं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि जो बहुत बेहतरीन आप लोगों ने आंसर दिया है, और ये जितना भी क्वेश्चंस पूछा गया था वो क्वेश्चंस का एग्जैक्टली तो नहीं, बट उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं ग्रामर का, वो सारा रूल्स मैं पहले बता चुका था, ठीक है। तो चलिए आज मैं थोरली उस क्वेश्चन को का सॉल्यूशन दे दूं आपको। तो चलिए देखिए, ये क्वेश्चन लिखने में थोड़ी टाइम लगेगी, इसलिए मैं क्वेश्चन आपका देख लीजिए, नीचे में क्वेश्चन आपको दिखेगी, और अभी मैं थोड़ा क्वेश्चन मतलब देखने का एक सहारा ले ले रहा हूं, लेकिन आप लोग जस्ट देखिएगा, नीचे में क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन को देखिएगा और बनाइएगा। चलिए आइए हम लोग चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है, आई ट्राई टू सोल्व दिस प्रॉब्लम एटलीस्ट फॉर 2 आवर्स। आई ट्राई टू सोल्व दिस प्रॉब्लम्स एटलीस्ट फॉर 2 आवर्स। देखिए मैं आपको बताया था कि जहां पर भी फॉर या सिंस का प्रयोग लगा हुआ है, और इसके बाद अगर कोई टाइम है, टाइम में दो ही हो सकते हैं, या तो पॉइंट ऑफ टाइम हो सकता है, ठीक है, या इसके साथ पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है, ठीक है। तो अगर ऐसा जिक्र हो तो ध्यान रखिएगा, मैं बता भी चुका हूं कि यह फोर टेंसेज में आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट, ठीक है। अब जरा चलते हैं हम लोग ऑप्शन में। फर्स्ट ऑप्शन जरा देखिए, नीचे लिखा हुआ है एम ट्राई टू सोल्व। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि एम के साथ वी1 तो कभी आता ही नहीं है, ठीक है, तो पहला ऑप्शन छट गया। दूसरा ऑप्शन है ट्राइड टू बी सॉल्विंग, ये ट्राइड जो है पास्ट इंडेफिनिट है, वी2 है, ये भी नहीं होंगे। थर्ड ऑप्शन हैव बीन ट्राइंग टू सोल्व। देखिए सब्जेक्ट आपका आई है, आई के साथ हैव आता है, ठीक है ना, तो आपका थर्ड ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, हैव बीन ट्राइंग, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, इसलिए आपका पहला क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो होगा वो आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ यू लिसन टू द इंग्लिश न्यूज इट इंप्रूव योर इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश न्यूज सुनते हो तो आपकी इंग्लिश को इंप्रूव करेगा, ठीक है। तो अब जरा देखिए इसमें क्या है कि ये कंडीशनल सेंटेंस है, और कंडीशनल सेंटेंस का बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताया था कि जब कभी कंडीशनल वर्ड के बाद सब्जेक्ट प्लस V1 / V5 हो, ठीक है, तो सेकेंड सेंटेंस जो होंगे उसमें आपका सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट की संभावना सबसे ज्यादा होती है। इसके जगह पे आप V1 या V5 भी लिख सकते हैं, बट याद रखिएगा कि एग्जामिनेशन में इसका यूज सबसे ज्यादा होता है, कि अगर कंडीशनल सेंटेंस में कंडीशनल वर्ड के साथ जुड़े हुए सेंटेंस अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो, तो याद रखिएगा कि जो सेंटेंस डिपेंडेंट होंगे वो सेंटेंस याद रखिएगा हमेशा फ्यूचर में होंगे, कभी कभी V1 और V5 भी आते हैं, बट फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन यू मस्ट रिमेंबर दिस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। चलिए आइए, क्वेश्चन कह रहा है इफ यू लिसन टू द इंग्लिश न्यूज इट इंप्रूव योर इंग्लिश। सबसे पहले आइए कि V1 और V5 भी होता है, आंसर को सही माना जाता है, लेकिन यहां पे इंप्रूव है, जरा क्वेश्चन देखिएगा उसमें लिखा हुआ है इंप्रूव है, ठीक है ना, तो यहां पे इंप्रूव होगा नहीं, क्योंकि यदि यदि यह V1 या V5 वाले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता
तो याद रखिएगा कि इट के साथ भी फाइव आता है, इसलिए वहां पे इंप्रूव तो होगा नहीं। अब जो ऑप्शन में चलते हैं, इट इज इंप्रूविंग नहीं होगा, इट विल इंप्रूव यही ऑप्शन आपका सही होगा, इसलिए सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इफ यू पार्क, सेम क्वेश्चन है, इफ यू पार्क योर कार हियर, इफ यू पार्क योर कार हियर द ट्रैफिक पुलिस हैज फाइंड यू। ठीक है, देखिए वही क्वेश्चन है, देखिए इफ यू पार्क योर कार हियर द ट्रैफिक पुलिस सेल और विल हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखिएगा, आप इसमें विशेष में नहीं बताऊंगा। ऑप्शन है आपका विल फाइंड यू, सेकंड ऑप्शन नो इंप्रूवमेंट है, थर्ड ऑप्शन है फाइंड यू, फोर्थ ऑप्शन है फाइंड यू। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं, यहां पे आपका ऑप्शन ए सही होगा, यानी थर्ड का ऑप्शन ए सही होगा, हो जाएगा विल फाइंड यू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। 13 माइनर्स वर ट्रैप्ड इनसाइड अ कोल माइन ड्यू टू फ्लडिंग फ्रॉम अ नियर बाई रिवर स्ट्रडे। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है कि 13 माइनर्स वर ट्रैप्ड इनसाइड अ कोल माइन ड्यू टू फ्लडिंग फ्रॉम नियर बाई रिवर स्ट्रडे। ठीक है, अगला देखिए यहां पे क्या होगा, 13 माइनर्स वर ट्रैप्ड इनसाइड अ कोल माइन ड्यू टू फ्लडिंग फ्रॉम। अब इसमें क्या कह रहा है कि ये वर के साथ भी, यानी आपको लग रहा है कि अगर वर्ब टू बी के साथ अगर भीतरी है तो निश्चित रूप से ये पैसिव होगा। क्या है पैसिव, है ना, ये पैसिव है। अगर ये पैसिव है तो अब ये ध्यान देना है कि क्या इसमें सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग हुआ है कि नहीं। सब्जेक्ट है आपका 13 माइनस, अगर ये सब्जेक्ट में देखिए 13 माइनस है तो 13 माइनस अगर है सब्जेक्ट में तो सबसे ज्यादा जरूरी ध्यान देना है कि 13 माइनस प्लूरल है और इनके साथ आने वाले वर्ब भी प्लूरल होंगे, तो वर्ब भी क्या है, वर है। ठीक है, प्लूरल है, ठीक है, और उसके बाद भीतरी है, यानी इसमें कहीं कोई एरर नहीं है। 13 माइनस वर ट्रैप्ड इनसाइड अ कोल माइन ड्यू टू फ्लडिंग फ्रॉम अ नियर बाई रिवर स्ट्रडे। ठीक है, अब देखिए यहां पे एक चीज और मैं आपको बताता हूं, यहां पे एक वर्ड लगा हुआ है स्ट्रडे, ध्यान रखिएगा स्ट्रडे। आपको मैं बता चुका हूं कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स के बारे में कि यदि वो एडवर्ब ऑफ टाइम का जिक्र हो जाए तो याद रखिएगा कि वह सेंटेंस जो होगा वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। यहां पर भी स्ट्रडे लगा हुआ था, ऐसा वर्ड आपको बताया था स्ट्रडे, एगो, बिफोर, डे बिफोर स्ट्रडे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट डे, सब सब जब लगे रहेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो जाएगा। और अब जरा देखिए कि वर्ब टू बी के साथ भी लगा हुआ है, यानी वर के साथ भी, और वर के साथ अगर भी लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही पैसिव है पैसिव, बट ये सेंटेंस कौन सा है, टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर होगा आपका नो इंप्रूवमेंट। ठीक है ना, यानी ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, थोड़ा मैं इसको अब मिटाता हूं, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग चलते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, दिस इज द फर्स्ट टाइम एनीबडी हैव एक्सप्लोर्ड इनटू दिस पार्ट ऑफ द कंट्री। दिस इज द फर्स्ट टाइम एनीबडी हैव एक्सप्लोर्ड इनटू दिस पार्ट। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर फाइव ध्यान दीजिएगा कि बता चुके हैं कि जब कभी कोई वर्ड, बॉडी, थिंग या वन से समाप्त हो तो इसे सिंगुलर माना जाता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ये क्लियर, इसे सिंगुलर माना जाता है
और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। चलिए अब आइए बॉडी की बात करते हैं, जैसे एनीबॉडी, समबॉडी, एवरीबॉडी, नोबॉडी, समवन, एनीवन, एवरीवन, नोवन, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, और ये सारे के सारे सिंगुलर माना जाता है और इनके साथ आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होता है। याद रखिएगा कि यह मात्र एक ही जगह प्लूरल माना जाता है और वह है क्वेश्चन टैग में। जब आप क्वेश्चन टैग बनाइएगा और मेन सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर ये बॉडी या वन से समाप्त होने वाले कोई भी होंगे, बॉडी और वन से समाप्त होने वाले कोई भी होंगे, तो जब आप क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो टैग के सब्जेक्ट के रूप में इन दोनों की जगह पे दे का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए आपको बता देते हैं एक क्वेश्चन। जैसे देखिए Somebody has done it। अब यहां पे हमें क्वेश्चन टैग बनानी है, तो क्वेश्चन टैग में हमें एक वर्ब की आवश्यकता होती है और सेकंड हमारी आवश्यकता होती है सब्जेक्ट की। अब देखिए तो यहां पे वर्ब के रूप में तो हैज या हैव जो भी आएंगे यही आएंगे। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है? दे है। क्यों दे है? यहां somebody nobody मैं जानता हूं कि सिंगुलर है, लेकिन इन रिस्पेक्ट ऑफ क्वेश्चन टैग के रिस्पेक्ट में अगर जाएंगे तो इन्हें प्लूरल समझा जाता है और इनके बदले में दे का प्रयोग होता है। अगर दे का प्रयोग होता है तो यहां वर्ब के रूप में प्लूरल आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? हैवंट। क्लियर हो गया। अगला देखिए कि इस क्वेश्चन में गलतियां कहां है कि एनीबॉडी हैव तो होगा नहीं। चलिए अब आइए, एनीबॉडी हैज होगा जब भी होगा, तो एक ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर 4 देखिए, एनीबॉडी हैव नहीं होगा, कट गए। आगे ये एनीबॉडी हैज और एनीबॉडी हैज दो ऑप्शन में है, ठीक है ना। अब आइए, एनीबॉडी हैज एक्सप्लोर्ड दिस पार्ट या एक्सप्लोर्ड इनटू दिस पार्ट, क्या इसका आंसर होना चाहिए? ठीक है ना, सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। एनीबॉडी हैज एक्सप्लोर्ड दिस पार्ट ऑफ द कंट्री। एक्सप्लोर्ड के साथ कोई जगह आप दे रहे हैं तो उसमें एक आपका प्रीपोजिशन की आवश्यकता होगी और वह प्रीपोजिशन आपका इनटू होगा, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है मेनी अ मैन वुड वेलकम द अपॉर्चुनिटी। मेनी अ मैन वुड वेलकम द अपॉर्चुनिटी, ध्यान दीजिएगा, ये मेनी के साथ मैं आपको बताया था कि मेनी के साथ आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होगा और आने वाले वर्ब भी हमेशा प्लूरल होंगे, लेकिन यदि मेनी के साथ ए या एन का अगर जिक्र हो जाए तो आने वाला नाउन जो होगा वो सिंगुलर होगा और आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा। देखिए वही चीज है, मेनी ए मैन, मेनी अ मैन वुड वेलकम द अपॉर्चुनिटी, मेनी अ मैन है ना, तो मेनी ऑप्शन आइए अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए में है मेनी मैन, ये गलत है क्योंकि मेनी के बाद डायरेक्ट अगर नाउन आता है तो प्लूरल आएगा। दूसरा ऑप्शन है अ मेनी मैन, ऐसा कोई भी वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड नहीं है, ऐसा कोई कंपाउंड नहीं है मेनी का जो अ मेनी मैन होगा। थर्ड ऑप्शन है आपका मेनी अ मेन, मेनी के साथ अ लगेगा तो मेन नहीं मैन होगा। ठीक है, उसके बाद आइए नो इंप्रूवमेंट, तो निश्चित रूप से इसका मेनी अ मैन क्वेश्चन नहीं है, इसलिए आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी नो इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सिविल से सी हैज मनी टू स्पेयर, व्हाट वाज द यूज ऑफ आस्किंग हर। अब जरा ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 7, सिविल से सी हैज मनी टू स्पेयर, यानी व्हाट वाज द यूज ऑफ आस्किंग हर। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिएगा कि जब यहां है दिया हुआ कि सिविल से, यानी फ्यूचर टेंस है ना, तो सिविल से यानी फ्यूचर है तो फिर वो पास्ट में कैसे चला जाएगा? वह भी तो या तो प्रेजेंट में आना चाहिए नहीं तो फ्यूचर में आना चाहिए। ठीक है,
क्योंकि जब हम लोग प्रेजेंट में बात करते हैं तब जाके उसकी फ्यूचर की बात करते हैं। तो यहां पे क्वेश्चन है कि सिविल से सी हैज मनी टू स्पेयर, वह कहेगी कि उसके पास स्पेयर करने के लिए पैसा है। व्हाट वाज द यूज ऑफ आस्किंग हर, ठीक है ना, उसको पूछने का क्या मतलब है, ठीक है। तो व्हाट वाज नहीं होगा, व्हाट इज द यूज ऑफ आस्किंग हर, यानी ऑप्शन आपका सी सही होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी सही होगा। क्योंकि ध्यान रखिएगा कि या तो दोनों प्रेजेंट में होंगे, नहीं तो एक प्रेजेंट और एक फ्यूचर में होंगे, ऐसा नहीं हो सकता है कि एक फ्यूचर और एक पास्ट में होंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 8, दे विल कम इफ यू विल इनवाइट देम। देखिए यहां पे फिर आ गया वही क्वेश्चन नंबर 8 जो देख रहे हैं, फिर वही कंडीशनल सेंटेंस आ गया। एक सेंटेंस आपका डिपेंडेंट हो गया और दूसरा उसके बाद आ गया कंडीशनल वर्ड, कंडीशनल वर्ड, और उसके बाद आ गया इंडिपेंडेंट सेंटेंस, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग बहुत गहराई से कि हमने बताया था कि कंडीशनल वर्ड के साथ जो सेंटेंस हो वो पहले मैं बता चुका हूं, ठीक है ना। लेकिन ये सेंटेंस पलट भी सकती है, लेकिन अगर पलटेगी तो याद रखिएगा कि जो वर्ड, जो सेंटेंस कंडीशनल वर्ड के साथ जुड़ा हुआ है वो सेंटेंस अगर इधर आएंगे तो कंडीशनल वर्ड के साथ आएंगे। ऐसा नहीं कि कंडीशनल वर्ड यही आ गए और ये दोनों सेंटेंस बदल जाएंगे, फिर पता है मजाक बन जाएगा, ठीक है ना। कैसे मजाक बनेगा, देखिए मैं एक सेंटेंस बोल करके बताता हूं। जब आप मुझे बुलाओगे मैं आऊंगा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, जब आप मुझे बुलाओगे, बुलाओगे मैं आऊंगा, है ना। चलिए ये कंडीशनल वर्ड से जुड़ा हुआ ये सेंटेंस है। अब हम क्या करते हैं कि जरा सेंटेंस को पलट देते हैं। अब आइए, जब मैं आऊंगा आप मुझे बुलाओगे, क्या अर्थ चेंज हो गया, अर्थ का अनर्थ बन गया। जब मैं आऊंगा आप मुझे बुलाओगे, जब मैं आ ही जाऊंगा तो आपको बुलाने से क्या फायदा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी इसको उधर ले जाइएगा तो ये पूरा ग्रुप उधर जाएगा, ठीक है, ये पूरा ग्रुप उधर जाएगा और वो इधर चला आएगा। वही इसमें हुआ है, डिपेंडेंट सेंटेंस पहले आ गया है। जरा देख लीजिए कहा है कि दे विल कम, वे लोग आएंगे, इफ यू विल इनवाइट हिम। हम बता चुके हैं कि कंडीशनल वर्ड से जुड़े हुए जो भी सेंटेंस होंगे इसमें शैल और विल का प्रयोग कतई नहीं होगा, शैल और विल का प्रयोग कतई नहीं होगा। जब भी होंगे इनमें V1 या V5 होंगे अगर प्रेजेंट की बात करेंगे, V2 होंगे अगर पास्ट की बात करेंगे, और पास्ट की बात करेंगे तो हेड प्लस V3 होंगे। क्लियर हुआ? तो अब जरा देखिए इसमें क्या होगा कि यू विल इनवाइट देम की जगह पे यू इनवाइट देम हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए सही होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए होगा। अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, he began to ask about his enemies who had been hunting him. He began to ask about his enemy who had been hunting him. यहां पे क्या सही होंगे, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, एक फर्स्ट सेंटेंस को देखिए, he began to ask about his enemies. वह शुरू कर दिया पूछना अपने दुश्मन के बारे में, ठीक है ना। Who had been hunting him, यानी जो उसका शिकार करना चाह रहा है, ठीक है ना। तो who had been hunting, ये ध्यान रखिएगा, had been hunting, ये आपका present perfect continuous, ये past perfect continuous tense की बात कर रहा है यहां, जबकि ये कह रहा था कि वह पूछना शुरू कर दिया किसके बारे में, जो उसको करता रहा है या कर रहा है, ठीक है ना। अब आइए यहां पे क्या हो जाएगा, इज बीन हंटिंग, ध्यान रखिएगा इज के साथ कभी डायरेक्टली बीन का प्रयोग नहीं होता है, पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन है वाज बीन, वाज के साथ भी बीन का प्रयोग संभव नहीं है, ठीक है ना। थर्ड ऑप्शन है आपका हैड बीन हंटेड, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा हैड बीन हंटेड, ये जैसे ही हैड बीन हंटेड हो जाएगा तो ये पैसिव हो जाएगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा मैं आपको बताया था पैसिव पहचानने का तरीका,
ये पैसिव हो जाएगा, तो जब ये पैसिव हो जाएगा तो नहीं होगा। अगला क्या है, नो इंप्रूवमेंट। तो हेडविंड तो चल सकता है ना, ठीक है। तो यानी इसका मतलब है कि क्वेश्चन सही है इसलिए कि he began to ask about his enemy, वह अपने दुश्मन के बारे में पूछना शुरू कर दिया। who had been hunting him, जो उसे लगातार हंट करते आ रहा था, ठीक है ना, लगातार हंट करते आ रहा था, यानी कई दिनों से यह काम चलता आ रहा था। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नो इंप्रूवमेंट और ऑप्शन है आपका डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 10। आई क्लोज द विंडो, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, 10 ये कहता है कि आई क्लोज द विंडो जस्ट इन टाइम एंड रिटर्न टू माई रूम विथ रिलीफ। ध्यान रखिएगा क्या है, आई क्लोज द विंडो, ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट अगर आई है और उसके लिए वर्ब आपका क्लोज है, ठीक है ना, और बाकी बाद में, उसके बाद फिर कंजंक्शन जुड़ा हुआ है और उसके बाद एक वर्ड है रिटर्न। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि यह जो रिटर्न के लिए सब्जेक्ट यही है ना। तो अगर इस सब्जेक्ट के साथ यह सेंटेंस अगर पास्ट है तो इसका मतलब है कि यह सेंटेंस भी पास्ट होगा। क्या क्लियर हुआ बताइए, अगर यह सेंटेंस पास्ट है तो यह सेंटेंस भी पास्ट होना चाहिए। क्योंकि एक चीज मैं आपको बताया था, याद रख कीजिएगा कि जब एक सेंटेंस पास्ट हो तो दूसरे सेंटेंस का भी पास्ट होने की संभावना जो है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो मोस्टली वो भी सेंटेंस पास्ट होंगे, तो यहां रिटर्न नहीं, क्या हो जाएंगे, रिटर्न हो जाएंगे। इसलिए कि यह सब्जेक्ट बिटू है तो यहां भी बिटू होगा, ठीक है, यानी यहां भी बिटू और यहां भी बिटू। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अब आइए, तो जब यहां पे रिटर्न होगा तो ध्यान दीजिएगा यहां पे ऑप्शन कौन सा सही होगा। फर्स्ट ऑप्शन है आपका रिटर्न्स, दूसरा ऑप्शन है नोइंग, तीसरा ऑप्शन है विल रिटर्न और चौथा ऑप्शन है नो इंप्रूवमेंट। ये तो गड़बड़ हो गया, ऑप्शन एक भी सही नहीं है, ऑप्शन एक भी सही नहीं है। यहां पे जब भी होगा भी टू होंगे, ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 का कोई ऑप्शन सही नहीं है और क्वेश्चन भी सही नहीं है, ठीक है। इसलिए याद रखिएगा कि यहां पे क्वेश्चन नंबर 10 का भी टू यानी रिटर्न हो जाएगा। ही आई क्लोज द विंडो जस्ट इन टाइम एंड रिटर्न टू माई रूम विथ रिलीफ, ठीक है। तो यहां पे भी टू हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, यानी ध्यान रखिएगा कि इसका आंसर की अगर बात कीजिएगा तो कोई आंसर सही नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा रिटर्न, ठीक है, समझ में आया। अब मैं बता दूं कि ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको दिया हूं ना, 2019 के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है और इसका रूल का जिक्र मैं 2018 के एग्जाम में मैं कर चुका हूं। तो अब मुझे आप बताइए कि 2018 के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछ रहा है, 2019 में सिर्फ सेंटेंस चेंज हो रही है और सेंटेंस चेंज हो रही है, रूल तो वही है ना, बोलिए, रूल तो वही है। तो जब मैं रूल वही बता रहा हूं तो क्यों ना उसको विस्तार से हम लोग पढ़ ले रूल को ही। इसीलिए मैं एक एक क्वेश्चन से चार चार रूल निकाल रहा हूं, एक एक क्वेश्चन से 3 और 4 रूल्स बता रहा हूं, डीपली मैं क्वेश्चन को बता रहा हूं, जितनी भी पॉसिबिलिटीज क्वेश्चन में आ रहे हो मैं सब बता रहा हूं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिए कि जितना भी मैं रूल बता रहा हूं बेहतरीन तरीके से इस चीज को पढ़ने की कोशिश कीजिए। और एक चीज मेरा बहुत काइंडली रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगता है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है आप लाइक और डिसलाइक जो आपको करना है वो कीजिए, बट आप फीडबैक दीजिए कि आपको वीडियो अच्छा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिए। आई कैन कम टू नो, मैं कम से कम जानूंगा तो कि आखिर क्या हमें कमी है, बिकॉज यू आर द ट्यूटर, यू आर माई ट्यूटर, आप मेरे ट्यूटर हो। ध्यान रखना, आप हमेशा कोशिश करो कि हमारी कमियां को बताने का, अगर आप कमी बताओगे तो मैं सुधारने की कोशिश करूंगा, ठीक है। इसलिए थैंक यू वेरी मच, कीप कंटिन्यू, बेस्ट ऑफ लक।